तो गाइस आप देख सकते हो जैसे कि मेरा 15 घंटे में मेरा व्यूज़ कितना है, 19 व्यूज़, यानी कि 0 के बराबर। और गाइस सब्सक्राइबर की बात करूँ तो गाइस सब्सक्राइबर देख सकते हो 12,682 सब्सक्राइबर हो चुका है। वॉच टाइम की बात ही ना करो, जैसे कि 3,000 से भी ज़्यादा हो चुका है, जैसे कि 4,000 के करीब कुछ पहुँचने को आया है। वो तो गाइस एक महीने में कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि 4,000 वॉच टाइम हो गए, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। व्यूज़ आप देख सकते हो जैसे कि व्यूज़ कितना है, जैसे कि 1,96,000 ऐसा कुछ मेरा व्यूज़ है। और गाइस सब्सक्राइबर की तो बात करता हूँ तो गाइस 664 सब्सक्राइबर भी है। और गाइस रेवेन्यू भी आप देख सकते हो जैसे कि $96.59 गाइस ऐसा कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है, अच्छा खासा ही हो जाता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये सब करना है और आपका सब्सक्राइबर भी कैसे बढ़ेगा अचानक से, गाइस बूस्ट मिलेगा अपने चैनल को और साथ ही साथ अपना वॉच टाइम इंक्रीज होएगा। गाइस कैसे होएगा गाइस आपको लाइव प्रूफ बताता हूँ, जैसे कि मेरा 19 ही व्यूज़ है। और गाइस ये सब चीज़ मैं पहले से ही कुछ करता हूँ, ऐसी चीज़ों का मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उसके बाद मेरे को ये सब पता चलता है सब कैसे होता है। तो गाइस सबसे पहले मैं व्यूज़ मोड पर क्लिक कर देता हूँ और आपको गाइस बता देता हूँ करना क्या गाइस, और आप बताओगे क्या नहीं हो पाएगा गाइस। 110% गाइस ये चीज़ वर्क करती है। उसके बाद में ये वीडियो बनाया गाइस, तो आप देख सकते हो गाइस मेरा टॉप वीडियो का व्यूज़ है। आप सोचोगे क्या सब टॉप वीडियो का व्यूज़ से आपने सब्सक्राइबर इंक्रीज़ किया, तो गाइस ऐसी बात नहीं है, आपको मेरे टॉप वीडियो का भी सब्सक्राइबर कमेंट करोगे तो मैं आपका लाइफ टाइम का टॉप वीडियो का बता दूंगा। टॉप वीडियो से मैंने सब्सक्राइबर इंक्रीज़ नहीं किया है, मैंने इंक्रीज़ किया है तो कुछ मैंने चीज़ यूज़ की है उसी चीज़ से मैंने इंक्रीज़ किया है सब्सक्राइबर। व्यूज़ भी आप देख सकते हो जैसे कि मेरा वॉच टाइम भी कम्प्लीट हो जाता है और मेरा टॉप वीडियो तभी मैं आपको बता दिया। और गाइस इंप्रेशन की भी बात कर लेता हूँ, इंप्रेशन तो अच्छा खासा होना चाहिए गाइस तो ही अपना वीडियो आगे की तरफ जाएगा। जैसे कि मेरा 18 अगस्त को मेरा कुछ 38,000 कुछ मेरा कुछ इंप्रेशन गया था। और गाइस मैं अभी क्लिक थ्रू रेट बता देता हूँ CTR, जैसे कि इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट 15% काफ़ी अच्छा है। और अभी जो समझने वाली बात है गाइस अभी समझो, जैसे कि मेरा जो भी ट्रैफिक सोर्स आ रहा है वो गाइस YouTube सर्च से आ रहा है। तो गाइस आपको भी अभी मैं वही सजेस्ट करूँगा आप करना क्या है देखो। तो अभी आप बोलोगे कि हमारे पास सर्चेबल टॉपिक ही नहीं है, हम कहाँ से सर्चेबल टॉपिक लाए ताकि हमारा वीडियो आगे की तरफ जाए और हमारा सब्सक्राइबर भी बढ़े और साथ ही साथ हमारा वॉच टाइम भी इंक्रीज हो, ऐसे अभी मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, इधर टॉप यूट्यूब सर्च टर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो गाइस इधर आपको लास्ट 7 डेज के ऊपर कर देना है क्लिक। उसके बाद आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आएगा गाइस, उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको आता ही होगा, तो गाइस अपना जो भी है फर्स्ट वाला आता है गाइस ऊपर, उसको आपको टाइटल में ले लेना है, जैसे कि प्राइवेट सेव डिलीट फोटो रिकवरी। उसके बाद आपको एक स्लैश लगा के गाइस इधर दूसरा आपको बना देना है टाइटल, रियलमी प्राइवेट सेव डिलीट फोटो रिकवरी, उस तरीके से 2-3 टाइटल लगा दो। और गाइस ये सारा का सारा अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दो और उसी से गाइस जो फर्स्ट में आता है उसको आपको हैशटैग बना लेना है, जैसे कि प्राइवेट सेफ, और दोनों को मिला के आपको हैशटैग लगा देना है। उसके बाद आपको तीसरा वाला हैशटैग बनाना है, जैसे कि डिलीट फोटो रिकवरी, और तीनों को मिला के आपको एक हैशटैग बना लेना है। उसके बाद आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डालना है और दो हैशटैग यूज़ करना है। तो गाइस अभी मैं जो बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको अपना मोबाइल में करना है, अपना मोबाइल की ट्रैफिक कहाँ से आ रही है सो मैं खाली एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये सब डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद जो कुछ भी है और एक एक करके अपने टैग बॉक्स में डाल देना, जैसे कि टैग में लगा देना है। और 110% बता दो गाइस ये चीज़ वर्क करती है, क्योंकि गाइस मैं भी इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उसके बाद मेरे को पता चलता है कि व्यूज़ उसी से आ रहा है। और गाइस मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, तभी तो गाइस अपना व्यूज़ आने लगेगा। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना, मेरी वीडियो पसंद है लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर